बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दिस इज़ मी योर क्लास टीचर एंड आई होप स्टूडेंट यू ऑल आर फाइन एंड गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिसाइट दुआ फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज। रब्बी जिदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 77 फ्राम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड टुडे आर चैप्टर नेम इज़ किरण्स ट्री, चैप्टर नंबर 7। किरण्स ट्री मतलब किरण का दरख्त। राइट एम अंडर द मैंगो ट्री एंड सी अंडर द कोकोनट ट्री, देयर आर टू ट्री। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो दरख्त बने हुए हैं, एक कोकोनट का है और एक मैंगो का है। विच ट्री इज़ ईजी टू क्लाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने देखना है कि मैंगो का ट्री कौन सा है और कोकोनट का ट्री कौन सा है। जो मैंगो का ट्री है उसके नीचे एम लिख देंगे और जो कोकोनट का है उधर सी लिख देंगे। देखें ये मैंगो का है, साफ नज़र आ रहा है मैंगो लेटर ट्री, तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, एम। और ये कोकोनट का है तो हम इधर सी लिख देंगे, ठीक है। विच ट्री इज़ ईजी टू क्लाइम। अब ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों दरख्त में से कौन सा ट्री क्लाइम मतलब चढ़ने के लिए आसानी, मतलब आप कौन से दरख्त पर आसानी से चढ़ सकते हैं, कोकोनट पर या मैंगो ट्री पर। एक्चुअली कोकोनट जो होते हैं वो पाम ट्रीज होते हैं, ज़रा लंबे होते हैं, सीधे सीधे उनके इस तरीके से जैसे ये है इधर नहीं होता, ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, तो ज़रा ये चढ़ने के लिए मुश्किल होता है, इट्स डिफ़िकल्ट। बट आप मैंगो ट्री या इन टाइप के ट्रीज पर ईज़िली क्लाइम कर सकते हैं, ठीक है। Have you ever climbed a tree? क्या आपने स्टूडेंट्स कभी दरख्त पे चढ़े और आप लोग को मज़ा आया? Do you like to eat green mangoes? Are they soft or hard, sweet or sour? देखें मैंगो दो टाइप के होते हैं, एक होता है येलो मैंगो, होता है ग्रीन मैंगो। येलो मैंगो तो सब ने खाया है। ग्रीन मैंगो जो होता है उसको हम कैरी बोलते हैं और वो ज़रा हार्ड होता है, वो मैंगो की तरह सॉफ्ट नहीं होता, स्वीट नहीं होता, वो ज़रा हार्ड होता है और जायके में वो सॉर होता है, खट्टा होता है और मोस्टली उसका अचार बनता है। जो ग्रीन मैंगो होता है जिसको कैरी बोलते हैं उसका घरों में अचार बनता है और बाहर से भी मिलता है, ठीक है। आप ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ मैंगो एंड अ मैंगो लीफ एंड कलर देम। आप लोग ने क्या करना है स्टूडेंट, घर पे अच्छा सा प्यारा सा एक पेपर पे मैंगो बनाना है और लीफ भी बनाना है उसका, ठीक है, और उस पर कलर करना है, येलो उसकी मैंगो पर और ग्रीन उसके लीफ पर। Now read the story. Look at this picture of a mango tree. ये एक mango tree है. It is in Kiran's garden. ये एक बच्ची है किरण और ये उसके garden के अंदर एक tree है जो कि बहुत बड़ा है. It is a big and shady tree. ठीक है, मतलब shady tree मतलब सायेदार घना दरख्त है. In summer there are many mangoes on it. Kiran loves the tree. In summer season, we know that summer is mango season. मतलब summer के season में ही mango आते हैं, मतलब जब बहुत तेज़ गर्मियाँ होती हैं तो mango आते हैं, ठीक है। और किरण को अपना ये दरख्त बहुत पसंद है। When there is no school, किरण plays under the tree. She even eats her lunch under it. देखें वी नो दैट कि जून जुलाई में छुट्टियाँ होती हैं, समर वेकेशंस होता है, तो बच्चे जो है वो कुछ अपनी नानियों के घर पे चले जाते हैं, कुछ वेकेशंस बनाने आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं। तो इसी तरीके से किरण अपनी समर वेकेशन में क्या करती हैं कि वो अपने ट्री के पास अपना वक्त ज़्यादा गुजारती हैं, वहाँ बैठ के अपना समर वर्क करती हैं, वहीं बैठ के खाना खाती हैं, उधर ही खेलती हैं। Sometime Kiran climbs the tree and hides among the leaves. She picks a green mango. She sits on the tree and eats the mango. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि किरण इस दरख्त पर भी क्लाइम कर जाती हैं, मतलब इस दरख्त पर भी चढ़ जाती हैं, उधर छुप जाती हैं, उधर बैठ के ग्रीन मैंगो जो होता है मतलब कैरी जो होती है वो तोड़ती हैं और वो खाती हैं और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करती हैं इस ट्री के साथ, ठीक है। One day Kiran's friend come to her house. एक दिन किरण की एक दोस्त किरण के घर पे खेलने के लिए आई। They went to play hide and seek with her. और किरण ने अपनी दोस्त के साथ खेला hide and seek यानी छुपन छुपाई। They look for her everywhere. They don't see her. उनकी जो फ्रेंड होती हैं वो हर जगह ढूंढती हैं किरण को, लेकिन किरण जो है वो कहीं भी नहीं मिलती हैं। She shout, where are you Kiran? वो चीखती है, तुम कहाँ हो किरण?
तो किरण कहती हैं कि शी सेज अप हेयर हर फ्रेंड लुक अप एंड सी हर। वो एकदम देखती है जब ऊपर दरख के, तो बोलती है ओ मुझे भी ऊपर आना है। वी वेंट टू क्लाइम वी वॉन्ट टू क्लाइम द ट्री टू, मुझे भी ऊपर चढ़ना है। क्योंकि किरण जो है वो ऊपर दरख के ऊपर बैठ जाती हैं, उधर छुप जाती हैं, तो उनकी फ्रेंड जब देखती है तो उसका भी दिल चाहता है कि मुझे भी ऊपर चढ़ना है। ठीक है, तो नाउ देर आर नो मैंगोज ऑन द ट्री बट देर आर लॉट्स ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। फिर वो दोनों खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते वो दरख के ऊपर चढ़ जाते हैं, और भी किरण के बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं और वो दरख के ऊपर बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और वो बहुत इन्जॉय करते हैं। सबसे पहले हमें इस सबक से लेसन तो ये मिला है बहुत मज़े का कि दरख्त उगाना अच्छी बात होती है, बिकॉज़ ट्री प्रोवाइड्स फूड। ठीक है, वेजिटेबल्स भी देता है और फ्रूट्स भी देता है, तो जिसके घर पे दरख्त होते हैं उधर साया आता है, धूप का इतना ज़्यादा नहीं पड़ता असर, घर ठंडा रहता है, अच्छी हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है। तो इसी तरीके से किरण के घर पर भी जो गार्डन था उसके अंदर जो ट्री था उसके बहुत सारे बेनिफिट्स थे, कि वो जब गर्मियाँ आती थी तो वो मैंगो खाती थी वहाँ पर और उस दरख्त पे भी चढ़ती थी और उनके फ्रेंड्स भी आते थे और उनके साथ एंजॉय करते थे। अब आप लोगों ने इस चैप्टर को घर पर पढ़ना है, रीडिंग करनी है और इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। आप लोग को चैप्टर आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से। जब तक अपना बहुत ख्याल करिएगा, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।